ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল মায়ানমার। বাংলাদেশের উদ্বেগ কমে গেল কয়েক গুণ, কিন্তু ভারতের টেনশন বেড়ে গেল। মায়ানমার আর চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না বাংলাদেশের দিকে। মায়ানমারের সীমান্ত এলাকাগুলোতে তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে, এবার ধসে পড়বে মায়ানমারের অর্থনীতি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মাই হুয়া এহসান খান আর আপনি দেখ রহে হ্যায় ইউটিউব চ্যানেল এহসান রিঅ্যাকশন উইথ এহসান। व्यूअर्स, वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि किस तरह से बांग्लादेश ने बड़ा झटका दिया है म्यांमार को, तो दिया ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया बहुत ही गुस्से में है। ये वीडियो है क्या है, किस तरह से बांग्लादेश ने म्यांमार को खौफ में मुब्तला कर दिया है, किस तरह से बड़ा जोर का झटका दिया है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग वीडियो है व्यूअर्स, आपने ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि इसमें जो इंडिया है वो बहुत घबराया हुआ है कि क्या हो गया, हमारी सारी इन्वेस्टमेंट में पानी पड़ गया है और सारी वेस्ट हो चुकी है, क्योंकि फैटफ की ब्लैक लिस्ट में चला गया है व्यूअर्स म्यांमार। तो वजह क्या है, किस वजह से गया है, इंडिया का कितना सरमायाकारी पैसा डूब चुका है म्यांमार में, बांग्लादेश ने क्या पत्ता फेंका है, कौन सा कार्ड बांग्लादेश खेल चुका है जिससे एक तीर में दो शिकार कर दिए हैं, एक ही बॉल पे दो विकेटें गिरा दी हैं, तो ये वीडियो देखने से व्यूअर्स पता चलेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर एक रिपोर्ट लेकर आए। ये वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा और रिएक्शन भी देंगे। ये वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है व्यूअर्स। बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ, 3-2-1 एंड क्यू। ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গেল মায়ানমার, বাংলাদেশের উদ্বেগ কমে গেল কয়েক গুণ, কিন্তু ভারতের টেনশন বেড়ে গেল। মায়ানমার আর চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাবে না বাংলাদেশের দিকে। মায়ানমারের সীমান্ত এলাকাগুলোতে তাণ্ডব শুরু হয়ে গিয়েছে, এবার ধসে পড়বে মায়ানমারের অর্থনীতি। কার কাছে হাত পাতবে জুন্টার দেশ? দেওয়ালে পিঠ থেকেই গেল মায়ানমারের, মায়ানমার কিছুই করে উঠতে পারলো না। তবে বাংলাদেশের মুখে এতে হাসি ফুটলেও ভারতের চিন্তা কয়েক শতগুণ বেড়ে গেল। উত্তর কোরিয়া ইরানদের তালিকায় নাম জুড়ে গেল মায়ানমারের, কারণ মায়ানমারকে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের তালিকায় ব্ল্যাকলিস্টেড করে দেওয়া হলো। সহজ কথায় মায়ানমার কালো তালিকাভুক্ত হয়ে গেল। এবার কত বড় বিপদে পড়ে যাবে জুন্টার দেশ? FATF এর কালো তালিকায় একবার পড়ে গেলে কত বড় বিপদ নেমে আসে কোন দেশের উপর? মায়ানমার এবার হাড়ে হাড়ে টের পেতে চলেছে। বাংলাদেশকে যুদ্ধের জন্য যে উস্কানি মায়ানমার দিচ্ছিল, এবার আর তারা সেই সাহসটা দেখাতে পারবে না, কারণ যুদ্ধ করার মতো ক্ষমতা মায়ানমারের আর কোনো মতেই থাকবে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন FATF এর কালো তালিকায় মায়ানমারের নাম উঠল, এর মানে সামরিক শাসকদের জন্য বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা মারাত্মক কঠিন হয়ে যাবে। গত 1.5 বছরে মায়ানমারের মুদ্রা কিয়াতের মূল্য 60% কমেছে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে এবার কিন্তু কিয়াতের মূল্য আরো কমবে। তবে বাংলাদেশের মুখে আজ হাসি ফুটলেও ভারতের উদ্বেগ কিন্তু কিছুটা হলেও। তো ভিউয়ার্স, আপনি এই ভিডিও দেখি, ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া কি রিপোর্ট কে কিস তরহ সে ও কহ রহা হ্যায় কি FATF की जो ब्लैक लिस्ट में म्यांमार तो चला गया है, इसका जो फ़ायदा है वो बांग्लादेश को हुआ है, लेकिन इसका जो नुकसान है वो इंडिया को पहुंचा है, क्योंकि इंडिया ने भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा था म्यांमार में। सीथी एक पोर्ट है, अगर नाम मैंने ठीक से ना लिया हो तो उसके लिए माफ़ी का तलबगार हूँ, कि बांग्लादेश एक बंदरगाह पोर्ट आरकान में उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, सॉरी इंडिया। तो इसलिए अब ये सारे का सारा जितना भी प्रोसेस था अब रुक जाएगा, ये सारे का सारा जितना भी पैसा था ये पानी में बह जाएगा इंडिया का, इसलिए इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश ने सफारती तौर पर बड़े बड़े देश के साथ मिलकर म्यांमार को डाल दिया है FATF की लिस्ट में। इसका फ़ायदा ये हो रहा है बांग्लादेश को, एक तो अब वो युद्ध नहीं कर सकेगा किसी तरीके से, जो बॉर्डर के ऊपर मार्टर शेल और गोलाबारी करता था वो अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, और व्यूअर्स इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा हिट होगा म्यांमार, क्योंकि इंडिया के से पैसा आ रहा था, अब वो इंडिया पैसा नहीं देगा, और जिस तरह से उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हुए थे वो अब बंद हो जाएंगे।
तो इसलिए वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है कि ये जो फैटफ की लिस्ट में गया है म्यांमार, इसका नुकसान ज़्यादा बांग्लादेश से इंडिया को हो रहा है। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट, ये वीडियो कैसी लगी है, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।